उसको डिजाइन कर रहे हैं, कितने मैक्सिमम लोड के लिए हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, दैट इज करेक्टरिस्टिक लोड। मतलब अगर मैं बोलूं एक एग्जांपल के तौर पे, बहुत ही एक सिली सा एग्जांपल दे रही हूँ तुम लोगों को, बिल्डिंग के फॉर्म में नहीं बट एक जनरल, ठीक है, एक जनरल एग्जाम्पल कह रही हूँ कि अगर एक ह्यूमन बींग है, हमने उसको 50 kg लोड वो बड़े आराम से सह पाया, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि उसको 50 kg लोड हमने दिया और वो बड़े आराम से उस लोड को लेकर चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसको 100 kg दिया तो क्या हो गया, वो जल्दी थकने लग गया, ठीक है, तो वो जल्दी ही क्या कर जाएगा, थक के वहीं के वहीं रुक जाएगा, ठीक है, और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, या तो वो क्या हो जाएगा, या उसको बैक एक हुआ, जो भी, एक प्रैक्टिकल नहीं, एक बड़ा सिली एग्जाम्पल दे दूँ। सिमिलरली बिल्डिंग के साथ होता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड जो वो बियर कर सकती है, उसका मटीरियल जो बिल्डिंग के अंदर जो मटीरियल लगा हुआ है जो उसको बियर कर सकता है, ठीक है, जैसे कि कंक्रीट हो गया, जैसे कि हमारा स्टील हो गया, सर्टेन लोड वो बियर कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू, उस एक सर्टेन लोड की वैल्यू जैसी बढ़ जाएगी तो वो स्ट्रक्चर हमारा क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, दैट इज करेक्टरिस्टिक लोड। ठीक है, हम जिसके लिए बिल्डिंग के बिल्डिंग को सेफ मान के चल रहे हैं वो हमारा क्या होता है, करेक्टरिस्टिक लोड होता है। अब अगर बात करूं करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की, कि स्ट्रेंथ क्या है राजे, स्ट्रेंथ क्या होता है, जो मतलब हम मटेरियल की जब बात करेंगे ना, जैसे कि स्टील हो गया, कंक्रीट हो गया, जब हम मटेरियल की बात करेंगे तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आती है। जब हम लोड की बात करते हैं तो जो वो लोड लगोड वो लग रहा होता है तो हम सिर्फ लोड की बात करते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो लोड की होती है वो करेक्टरिस्टिक लोड हो जाता है। लेकिन जब यही हम बात करते हैं मटेरियल की, कि वो मटेरियल कहाँ तक सेफ है, मतलब M20 उसके अंदर 20 N/mm² क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, Fe 250 क्या है, उस मटेरियल की स्ट्रेंथ है, स्टील की क्या है, स्ट्रेंथ है, जिसके बाद वो क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है करेक्टरिस्टिक लोड और करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में। स्ट्रेंथ जैसे ही आ जाएगा तो समझो कि जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं बिल्डिंग में उसकी स्ट्रेंथ की बात हो रही है, जिसको हम FCK या फिर FY से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं लोड की, जैसे कि डेड लोड, लाइव लोड, तो वो क्या हो जाता है, हमारा जो बिल्डिंग के ऊपर लोड एक्ट कर रहे होते हैं राजे, अब भी क्या होता है, सर्टेन फैक्टर होता है, मतलब हम जब अगर बात करें ना डेड लोड, लाइव लोड, या अब डिजाइनिंग हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप के, अल्टीमेट लिमिट स्टेट होता है और एक सर्विसेबिलिटी लिमिट स्टेट होता है। सर्विसेबिलिटी लिमिट स्टेट का हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर हम बात करें कि जो अल्टीमेट लिमिट स्टेट या फिर लिमिट स्टेट की बात करें, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ लोड पढ़े थे, तो अगर आपको कोई बोले कि व्हाट इज फैक्टर्ड लोड, राजे जब भी हमने डिजाइन करना है, अभी आगे न्यूमेरिकल करेंगे, मैं इसलिए ये समझा रही हूँ ताकि वहाँ पर दिक्कत ना आए, तो इसको ध्यान से सुनो। जब भी हमें क्या करना है, बिल्डिंग डिजाइन करनी है, ठीक है, मान लो एक बड़ा ही, मतलब मैंने बोला कि 2000 N/mm², ठीक है, यहाँ सिंपल अगर लोड की बात करें, मैं न्यूटन पर एमएम से जो स्ट्रेंथ भी लगा जाएगा, लोड की बात करें, हमने बोला 2000 N बिल्डिंग के ऊपर हमारा डायरेक्ट लोड, पॉइंट लोड अगर एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं हम, जब डिजाइन करते हैं ना तो हम उस लोड को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.5 वैल्यू से। कहने का क्या मतलब, अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो हम इसमें क्या वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आएगी, हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आएगी, मतलब हम बिल्डिंग को थोड़े से एक्चुअल लोड से ज्यादा के लिए डिजाइन करते हैं, कि अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी ये 2000 नहीं लेकर चलेंगे फिर डिजाइन के लिए, फिर डिजाइन के लिए हम जो वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी हम उस लोड के लिए बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे, ताकि हमारा जो बिल्डिंग है वो क्या हो जाए, फर्दर सेफ हो जाए, ठीक है। मतलब अगर 2000 की वैल्यू है, अगर हमने उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया 3000 हो गया, ठीक है, तो 3000 वाली वैल्यू के लिए हम उसको डिजाइन करेंगे, ठीक है, मतलब हम 2000 के लिए नहीं डिजाइन करेंगे, हमने बोला अगर डेड लोड या फिर ओवरऑल जितना भी लोड एक्ट कर रहा है इतना था, हमने उसके लिए एक फैक्टर कंसिडर कर लिया, ठीक है। अगर हम उस एक्चुअल लोड को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक सर्टेन वैल्यू से, सर्टेन फैक्टर से, वो होता है फैक्टर्ड लोड। तो जब भी डिजाइन करना है किसके लिए, लिमिट स्टेट डिजाइन के लिए, जब भी कोई डिजाइन करना है तो एक्चुअल लोड के लिए नहीं डिजाइन करना है, हम फैक्टर्ड वैल्यू के लिए लेंगे, उसको 1.5 फैक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर, ठीक, ये चीज, इसमें कोई दिक्कत की क्या समझाएंगे, नहीं क्लियर तो बोल सकते हो, हाँ या ना कुछ बोलोगे,
ये जो पहले आते हो ना और बाद में छोड़ के चले जाते हो, तुम्हारा सब रिकॉर्ड होता है, ये सिर्फ अटेंडेंस लिख के भाग जाते हो। मैं रिपीट करना एक बार रिपीट करूं बच्चे? मैं यस आपको मैम उसी में आपको एक डिफरेंस बता रही थी कि जब भी हमने अगर डिजाइन करना है, हम डिजाइन एक्चुअल लोड के लिए नहीं करेंगे। अगर मैंने स्टार्टिंग में बोला कि डेड लोड, मान के चल लो डेड लोड जो हमारा बिल्डिंग के ऊपर एक्ट कर रहा है, मैंने बोला सीधा मान के चल लो कि हमें पता है कि 2000 न्यूटन है, ठीक है, तो हम अगर डिजाइन करेंगे, हम इस 2000 की वैल्यू के लिए नहीं डिजाइन करेंगे, हम डिजाइन करेंगे इस लोड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं रजे? हमारे पास जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो लोड की जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी, वो कितनी आएगी 3000। हम ज्यादा लोड के लिए क्यों डिजाइन कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम कम लोड के लिए डिजाइन करेंगे और बाई चांस उस बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा लोड एक्ट कर जाए तो हमारी बिल्डिंग को तब भी फेल हो जाएगी। हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलते हैं कि हम 1 फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज्यादा लोड की वैल्यू आ जाएगी, तो इन फ्यूचर अगर इन केस अगर उस बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा लोड भी लग जाता है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सेफ होगा। तो कभी भी जब आप लिमिट स्टेट में डिजाइन करोगे, आप कभी भी उस लोड की वैल्यू को एज इट इज नहीं लोगे, आप उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। डेड और इम्पोज लोड के लिए 1.5 वैल्यू है, लाइव लोड के लिए भी 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डेड एंड विंड लोड की, जहाँ पे डेड लोड एक्ट कर रहा है स्टेबिलिटी के लिए, और अगर ओवर टर्निंग हो रही है या फिर स्टेबिलिटी अगर कोई सर्टेन हाइट केस जहाँ पे हमारी विंड एक्ट कर रही है, तो वहां पे हम डेड लोड को लेकर चलेंगे 0.9, विंड लोड की वैल्यू को 1.5 लेकर चलेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर डेड लोड भी एक्ट कर रहा है, इम्पोज लोड भी एक्ट कर रहा है, विंड लोड भी एक्ट कर रहा है, तो वहां पे हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे, तीन तरह के लोड एक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे दैट इज 1.2, 1.2, 1.2। हमें सिर्फ लिमिट स्टेट को कंसीडर करके चलना है, सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, फाइन। यहाँ पे कोई दिक्कत अब किसी को? नो मैम, क्लियर। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो आप पूछोगे कि ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम ज्यादा लोड के लिए पहले ही बिल्डिंग को डिजाइन करके चले। अब अगर बात आई, कल आप मेरे से कल पूछ रहे, मैंने आपको बताया था कि हमने डायरेक्ट FY की वैल्यू को क्यों नहीं लिया। राजे, हम लोड को ज्यादा एज्यूम करके चलते हैं, हम मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम एज्यूम करके चलते हैं। मान लो कि अगर मैं मटेरियल यूज कर रही हूँ, मतलब अगर मैं बात करूँ कि मटेरियल की प्रॉपर्टी की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि मेरी जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है, अगर मैं स्टील की बात करूँ, डिजाइन स्ट्रेंथ में अगर जहाँ पर भी स्ट्रेंथ वर्ड आ गया तो मटेरियल की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात करूँ, चाहे वो FCK हो सकता है कंक्रीट के लिए, FY हो सकता है स्टील के लिए, लेकिन अगर मैं FY की बात करूँ, मान लो स्टील अगर मेरा जो भी ग्रेड है, चलो लेट इट बी हम लोग बोले कि हम Fe 415 लेकर चल रहे हैं, ठीक है, या फिर Fe 250 भी हो सकता है, माइल्ड स्टील भी हो सकता है, तो हम उस केस में क्या करते हैं राजे, हमारे पास पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, हम मटेरियल को मान लो हम बोलते हैं हमारे मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ तो इतनी है 415 है, इसके बाद वो कलेप्स कर रहा है, लेकिन हम फिर भी उसको कम आंक के चलते हैं कि हम बोलते हैं कि थोड़ी कम ही लेकर चलो, तो हम उस केस में मटेरियल के केस में क्या कर देते हैं, स्टील है, स्टील के लिए फैक्टर क्या होता है 1.15। ध्यान रखिए, लोड जो एक्ट कर रहा है उसको हम ज्यादा लेकर चलते हैं कि मान लो फ्यूचर में ज्यादा लोड भी एक्ट कर सकते हैं, और मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है हम उसको कम समझ के चलते हैं, हम बोलते हैं क्या पता मटेरियल हमारा फेल पहले ही कर जाए, हम उसको कम लेकर चलते हैं। तो ये चीजें समझ आई कि क्यों कम लेकर चलते हैं उसको ज्यादा क्यों, क्योंकि मटेरियल हमने यूज करना है, हमें नहीं पता, हमने टेस्टिंग भी कर ली है, क्या पता उसमें कुछ दिक्कत आ जाए, क्या आ जाए, तो हम उसको थोड़ा कम एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। लोड हम कहते हैं लोड अनसर्टेन है, कभी भी ज्यादा भी एक्ट कर सकते हैं, हम चाहते हैं बिल्डिंग सेफ हो, तो हम बिल्डिंग को डिजाइन अगर करेंगे तो ज्यादा लोड के लिए करेंगे। मटेरियल की प्रॉपर्टी को अगर डिस्कस कर रहे हैं, मटेरियल को हम कम आंक के चलेंगे, कि हमारा मतलब कहने का मतलब क्या है, इस तरह से बिल्डिंग डिजाइन करो कि सेफ लिमिट में हो, कि अगर ज्यादा लोड एक्ट भी कर जाए मटेरियल पहले फेल भी हो जाए, दिक्कत ना हो बस। इसमें समझ आया कि नहीं? पानेश, विकास, क्लियर हो गया मैम? इससे सिंपल लैंग्वेज में आई कांट, मतलब मैं इसमें नहीं समझा पाऊंगी फिर, अगर मेरे को अगर नहीं समझ आया तो अभी बताओ, नहीं तो मैं और इसको और सिंपलीफाई करके बताऊं कि फैक्टर का क्या पर्पस क्या है। ये समझ आया कि हम यहाँ पे डिवाइड क्यों कर रहे हैं? हाँ, अब एक चीज ध्यान रखना, कंक्रीट के लिए हम लेकर चलते हैं 1.50 फैक्टर लिमिट स्टेट के लिए, नॉट वर्किंग लोड। वर्किंग लोड तो हम पहले पढ़ के आए, याद है? कोई बता सकते कितना था फैक्टर ऑफ सेफ्टी?
मैंने पहले बताया था वर्किंग स्टेट में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बताएगा कोई, लिखवाया था बकायदा नोट्स में, याद ही नहीं है किसका मैम, कंक्रीट का, कंक्रीट का स्टील का लिखा हुआ होगा डेफिनेटली, मैंने वर्किंग स्ट्रेस में बताया कंक्रीट का, कंक्रीट का 3.5 और स्टील का 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है, हम इस एक्स जो भी एक्स वाई जेड जो भी लोड होगा, हम चाहते हैं हम बिल्डिंग को डिजाइन करें ज्यादा सेफ लोड के लिए, ज्यादा सेफ लोड मतलब एक्चुअल लोड हमें पता है, हम चाहते हैं हम ज्यादा के लिए करें इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मटेरियल की स्ट्रेंथ हमें पता होती है, या तो Fe415 होगा या माइल्ड स्टील होएगा 250 वाला ग्रेड, या फिर कंक्रीट हो सकता है M40 मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन हम उसको कम आंक के चलते हैं, हम बोलते हैं कि भाई हमारा मटीरियल पहले भी तो फेल कर सकता है, हमने टेस्ट भी कर लिया बकायदा, लेकिन अनसर्टेनिटी भी तो आ सकती है, मटेरियल के ऊपर वेदरिंग एजेंसीज किसी भी तरह की एक्ट कर सकती है, तो इसीलिए हम पहले ही एज्यूम करके चलते हैं कि भैया हमारा मटेरियल की टेंडेंसी पहले फेल करने की भी हो सकती है, अपनी तरफ से सेफ लेकर चलो, तो हम इसीलिए मटेरियल की स्ट्रेंथ को डिवाइड करके चलते हैं, लोड को क्या करके चलते हैं मल्टीप्लाई। अब ये चीज तुम्हें भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बेसिक चीजें एक जो बताने जा रही हूँ, ये बच्चे ये तुम्हें ये चीजें तुम्हारी बुक में नहीं मिलेंगी, ये बीटेक की बुक से मैंने ये निकाला है सो दैट तुम्हें मैं बेटर वे से समझा सकूं, ठीक है। ये तुम्हें तुम्हारी बुक में नहीं मिलेगा ये चीज, कर्व्स तो स्पेशली नहीं मिलेंगी, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ एक आइडिया है, ये इसलिए कि ताकि समझ पाओ। अब एक और चीज बता दूं कि जो स्टील, वही मैंने बोला, अगर इसको यील्ड स्ट्रेस होती है Fy, अगर F415 की बात करें, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस की, हमारा इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जिस पे वो फेल कर जाएगा जिसके बाद, ठीक है। तो अगर मेरे को अगर कंसीडर करना होगा तो Fe415 में मैं इसको 1.15 से डिवाइड कर दूंगी, तो वो हम करेक्टरिस्टिक्स उसकी स्ट्रेंथ लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर में मैं तुम्हें यहाँ पे कर्व से समझाऊं, तो ये देखो ये कर्व दिख रही है, क्लियर नहीं दिख रही तो बता दो, क्लियर दिख रही है ये कर्व, अरे भाई हाँ या ना कुछ तो बोला करो। यस मैम, यस मैम। अब ये कर्व पता किसकी है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इधर स्ट्रेन आ गया इधर स्ट्रेस आ गया, ठीक है, मतलब सर्टेन स्ट्रेस एक्ट कर रहा है और स्ट्रेन बिहेवियर, हम ये किसकी बात कर रहे हैं, स्टील की रीइंफोर्समेंट की। राजे बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, ये पहले ही टेस्टिंग कर करके कोड्स में आपको ये दिख जाएंगे, ये कोड्स में आपकी फिगर 23 होगी IS 456-2000, चाहते हो तो मैं अभी खोल के भी दिखा देती हूँ, कोड्स मैंने डाउनलोड कर रखे ही है, बाकी किसी ने कल जाके कोड्स खोल के देखे, मैंने आपको कहा था देखना, क्योंकि इतने क्लॉजेस होंगे साथ साथ बताती जाऊंगी तो आपको आइडिया मिलता जाएगा कोड में अच्छा ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, I have provided, तो आपको चेक करना आपका उसमें है, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा के जाऊंगी उसमें चेक करना कि ये कहाँ लिखा हुआ है, क्लॉज किधर है, ढूंढा किसी ने जाके कर, हाँ या ना? Yes, ma'am. ढूंढा तो तावर मिले नहीं थे। Yeah, very good, हाँ, ये अच्छा मान है। अच्छा चलो अभी नहीं मैम मिल गया था। अब इस ग्राफ से समझ के चलो, ये जो लाइन है ना ये बिल्कुल एक्चुअल वाली वैल्यू है Fy, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ, एक सर्टेन लिमिट तक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इस ग्राफ को ध्यान से देखना, एक सर्टेन यहाँ तक क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता गया, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता गया वैसे वैसे स्ट्रेन, मतलब अगर ये हमने इसको मशीन में लगाया, ये माइल्ड स्टील की, आपने टेस्ट किया हुआ है ना रॉड वाला, हम इसको ऐसे स्टील की रॉड को बीच में लगाते हैं माइल्ड स्टील की, इधर से भी एक लोडिंग इसको होल्ड कराया था, इधर से भी होल्ड कराया था, स्ट्रेच करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, थिनिंग एक्शन होने लग जाता है, ये ऐसे इस तरह से शेप होने लग जाती है, ठीक है, ऐसे सब बनने लग जाता है, टेस्ट पड़ा हुआ ये वाला, ऐसे सा होने लग जाता है, यहाँ पे आके एक सर्टन लोड पे आके यहाँ पे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, तो ये टेस्टिंग हम करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ ऑब्टेन करने के लिए, हम लोड कैलकुलेट करते जाते हैं साथ में स्ट्रेन भी कैलकुलेट करते हैं कितनी स्ट्रेन आ रही है, जब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं Fy क्या हो जाती है, इस मटीरियल की करेक्टरिस्टिक क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। अब अगर मैं बात करूँ माइल्ड स्टील की, माइल्ड स्टील कौन सा हो गया Fe, बताओ कौन सा ग्रेड हो गया माइल्ड स्टील, Fe 250, ठीक
ये चीजें ना आप लोगों को ग्रेड्स ग्रूट्स आइडिया होना चाहिए, M40 का क्या मतलब, M20 का क्या मतलब, HYSP. बिल्कुल सही, ठीक है। अगर 250 की बात करें, हम माइल्ड स्टील की बात कर रहे हैं रजत, अब ध्यान से इस चीज को समझना। Fe4, ये वाली हमें पता है, माइल्ड स्टील की बात कर रहे हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी, 250, ठीक है। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि जब भी ये एक्चुअल ग्राफ हो, लेकिन हम बोल के चलते हैं अरे भाई हमारा स्टील पहले भी तो फेल कर सकता है, पहले भी तो क्रैक्स आ सकते हैं, तो थोड़ा सा कम लेकर चलो, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन किसी ने नहीं मेरे से पूछा कि आप कंक्रीट के लिए ये फैक्टर क्यों लेकर चल रहे हो, कम फैक्टर क्यों लेकर, सॉरी स्टील के लिए कम फैक्टर क्यों लेकर चल रहे हो, कंक्रीट के लिए ज्यादा क्यों, बताया क्या कोई, कोई आइडिया लगा सकता है, बोलो। कंक्रीट शायद टेंशन में वीक होता है इसलिए। कंक्रीट टेंशन में वीक होता है। ऑन एन एवरेज मतलब ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील 1.15। अरे मटेरियल की प्रॉपर्टी तो दोनों अलग अलग ढंग से एक्ट कर रही है। बताओ, मैंने एक लाइन थी अगर याद हो शेयर करी थी, स्याल, ML स्याल की बुक से थी, मैंने वो पिक्चर भी शेयर करी उस दिन, तो मैं बताया था उसमें भी जब हम वर्किंग स्ट्रेस को डिस्कस कर रहे थे, मैंने ये बताया था कि कंक्रीट ओवरऑल थोड़ा क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड मटेरियल है, ठीक है। उसमें क्या है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि वो होमोजीनियस मटीरियल, लेकिन उसमें डिफरेंट मटीरियल है, उसके अंदर ओवरऑल सारे मटीरियल को जोड़ के हम एक मटीरियल की प्रॉपर्टी एज्यूम करके चलते हैं, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड मटीरियल है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम ज्यादा लेकर चलेंगे, ठीक है। अनसर्टेन बिहेवियर शो करता है कंक्रीट, ठीक है, कंप्रेशन में तो वीक है ही है, सॉरी कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है, टेंशन में अजीब सा बिहेवियर शो कर सकता है, डिपेंड करता है क्योंकि मटेरियल के ऊपर ओवरऑल डिपेंड करेगा, थोड़ा बड़ा ही अनसर्टेन बिहेवियर, या फिर वो मतलब कह सकते हो ज्यादा ब्रिटल मटीरियल है इन कंपेरिजन टू स्टील। स्टील फिर भी एक डेफिनेट मटीरियल है, एक होमोजीनियस, ओवरऑल एक होमोजीनियस मटीरियल है, हमें उसकी प्रॉपर्टी का फिर भी अच्छे से थोड़ा आइडिया होता है, हम उसके लिए कम वैल्यू लेकर चलते हैं, कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेकर चलते हैं क्योंकि बहुत ही अनसर्टेन बिहेवियर शो करता है, ठीक है। एक ये जस्ट एक जनरल चीज बतानी थी। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इस ग्राफ की बात कर रही थी, अब इस ग्राफ से भी आप ये चीज समझ सकते हो कि यहाँ पे हम FY लेकर चल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे इससे कम वैल्यू को हम अगर डिजाइन करने की बात करें, कम वैल्यू के लिए डिजाइन करके चलते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग फ्यूचर में सेफ रहे, हम कम स्ट्रेंथ के लिए इसको डिजाइन करें, तो जो 0.87 हम कल स्टिरअप्स के लिए ले रहे थे वो यहाँ से आ रही थी वैल्यू, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। इसका मतलब क्या था, अगर आप इसका फैक्टर कैलकुलेट करोगे, दैट इज 1/1.15 करोगे ना, तो ये क्या बनता है, करके देख लेना, 1 डिवाइड करोगे 1.15 से, दैट इज इक्वल टू 0.869, ओवरऑल 0.87, मतलब 1/1.15, ये डिवाइड करना है ना, इसको जब राउंड ऑफ करोगे 1.15 को, ये 0.87 के बराबर आएगा। तो हम जो वैल्यू लेकर चलते हैं डिजाइन के लिए, हम FY नहीं लेकर चलेंगे, कम लेकर चलते हैं, फाइन। अब अगर तुम सोचो कि वो फॉर्मूला कैसे बन रहा था, तो वहां पे 0.87 FY क्यों था, वो इसकी वजह से था, सेफ्टी फैक्टर की वजह से। आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी के लिए इतनी ग्राफ काफी है, जब मेरे को आगे लगेगा कि किसी ग्राफ का कहीं यूटिलाइज हो रहा है तो मैं आगे बता दूंगी। बच्चे हाँ या ना, मेरे को कुछ बोल दिया, मेरे को ऐसा लगता है मैं अकेली बस बोली जा रही हूँ। हाँ जी अनुभव, बच्चे कुछ समझ आ भी रहा है कि नहीं, अनुभव, अभिषेक, सार्थक, वंदना, एटलीस्ट जिन बच्चों का मुझे पता है थोड़ा थोड़ा, चलिए। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जब भी हम लिमिट स्टेट के लिए कंसीडर करेंगे, हम उसको डिवाइड करके चलेंगे। नाउ लेट गेट बैक टू द मेन टॉपिक जो हम स्टडी कर रहे थे, ये बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फंडा जो बताना था, दैट इज ओके। इसमें कोई कुछ पूछना चाहता हो, नो मैम, हमने कल डिजाइन स्टेप्स नहीं किए थे ना, वो रहते थे डिस्कस करने, यहाँ तक हो गया था डिस्कस। तो ये वाला मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे थे कल,
ठीक है, हम बेसिक डिजाइन पे आना था, डिजाइन स्टार्ट करना था. कहने का मतलब क्या था, मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट की बात करते हो तो एज पर आईएस 45 क्लॉज नंबर 26.5 1.6, ये मैं आपको क्लॉज एक बार देखना बता देती हूँ कौन सा है. 26.1.5 ये हमारे आईएस कोड है, इसको कैसे देखते हैं अब ध्यान से देखो. इसको खोल के भी देखा, इसकी आरती नहीं उतारनी है, इसको खोल के देखना कि कैसे होते हैं कोड्स हमारे. ये देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट पेज हो गया कोड का, जनरल इंट्रोडक्शन, जो द कोड है क्या है, कोड का नाम क्या है, ठीक है. फिर अब कहाँ, कौन से चैप्टर में, जनरल सबसे पहला आपको जनरल सिंबल्स टर्मिनोलॉजीज दिख जाएंगी, देन मटेरियल्स के बारे में होगा, इंस्पेक्शन टेस्टिंग के बारे में होगा, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में होगा, ये सारा इधर होगा आईएस 45. देन टोटल सेक्शन 3 जो है हमारा, ठीक है, जनरल डिजाइन कंसिडरेशन होगी, बेसिस फॉर डिजाइन, लोड एंड फोर्सेज सब होगा इसमें, इम्पैक्ट लोड, विंड लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड, इन सब के बारे में सब लिखा हुआ है इसमें. स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, ओवरटर्निंग क्या है, स्लाइडिंग क्या है, मूवमेंट कनेक्शन क्या है, फायर रेजिस्टेंस, ये सब आपको इसमें एज इट इज इसकी जो गाइडलाइंस होंगी सब दिखेगा. कंप्रेशन मेंबर्स का अलग से बना हुआ. देन स्पेशल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स, कॉन्क्रीट के, कॉर्बल्स की, डीप बीम्स की, ठीक है, रिप्ड हॉलो ब्लॉक, ये सारे जनरल, ये आपका बस बेसिक एक कोड. अब हमें सर्च कहाँ पे करना है, मैं आपको जो क्लॉज दिखाना था 26.5 कैसे देखते हैं क्लॉजेस, मैं बताती हूँ क्लॉजेस क्या है. जैसे यहाँ पे लिखा ना 17.4.3, ये क्लॉज है, 17.4.2 ये क्लॉज है, ये टेबल 11 क्लॉजेस 6.1 और 16.3 में जो टेबल यूज हो रहे हैं ऐसे लिखा हुआ होगा, आपको दिखेगा. ये सारे क्लॉजेस होते हैं, इनको क्लॉज बोलते हैं. जैसे 15 हो गया, 15 किसके ऊपर है, सैम्पलिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ डिजाइन कॉन्क्रीट मिक्स का. अब यहाँ पे 15.1 क्लॉज है, 15.1.1 मतलब 15.1 के अंदर जो क्लॉज है, ठीक है. अब हमें जो सर्च करना था वो डिजाइन इसके रिगार्डिंग था 26.5. ये देखो, ये वाला क्लॉज था 26.5.1.6 मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट का क्लॉज. इसमें डायरेक्टली दे रखा है कि मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट अगर हमें प्रोवाइड करनी है इन द फॉर्म ऑफ स्टिरअप्स, मतलब सबसे मिनिमम, जहां पे हमारा टाउ बी क्या है, इज लेस देन टाउ सी, मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट जहाँ पे हमें प्रोवाइड करनी है. तो ये डायरेक्ट यहाँ पे इन्होंने कंसिडरेशन दे रखी है हम लोगों को, दैट इज 0.87 इंटू FY से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो स्टीरअप्स की वैल्यू लेकर चल रहे हैं, हम कम लेकर चल रहे हैं. देन हमने उसको क्या किया है, एरिया ऑफ सी, ये हमारी क्या होगी, करेक्टरिस्टिक बेसिक स्ट्रेंथ जो हम अज्यूम करके चल रहे हैं. देन 0.4% मतलब 0.4 लेकर चल रहे हैं इंटू बी इंटू एस वी. बी क्या है, विड्थ ऑफ बीम, एस वी क्या है, स्टीरअप स्पेसिंग. तो ये ओवरऑल हम भी कंसिडर करके चल रहे होते हैं, ठीक है. ये फॉर्मूला हमें गिवन होता है कोड्स के अंदर, इसका डेरिवेशन मैं नहीं बता रही हूँ ये कैसे बना क्या बना, बस एक जनरल तुम्हें आइडिया सा देना था, दैट इज ओके. बट लेकिन इसमें ये गिवन है. अगर आप यहाँ पे देखोगे फर्दर मिनिमम रीइंफोर्समेंट की गाइडलाइंस भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी प्रॉपर. इधर देखिए ध्यान से, ये टेबल बना हुआ हमारा नॉर्मल बीम का, कितना प्रोवाइड करनी चाहिए, 26.5 जो पूरा क्लॉज है, रिक्वायरमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर बीम्स के ऊपर, टेंशन रीइंफोर्समेंट की मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितनी होनी चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट्स गिवन है प्रॉपर, ठीक है. तो ऐसे कोर्स के अंदर ये सारी आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी जो हम सिर्फ यहाँ पे भी नॉर्मली डिस्कस करेंगे इसके थ्रू. तो मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होता है, ठीक है. अब अगर हम बात करें डिजाइन स्टेप्स की,
डिजाइन स्टेप्स में सबसे मेन चीज ये जो आपको बता रहा है दैट इज मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट, कि जो हम शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए एज पर हमारा जो कोड है दैट इज IS 456, ठीक है, इसके हिसाब से हमारी कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम स्पेसिंग। मैक्सिमम स्पेसिंग अगर हम मेजर करें एक्सेस ऑफ मेंबर के अलोंग तो ये कितनी नहीं होनी, इतने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कि कहने का मतलब क्या 0.75D पहली रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब क्या है, अगर ये तुम्हारी बीम है, बीम की विड्थ है, ये डेप्थ है, ठीक है, तो अगर तुम्हें स्पेसिंग मतलब अगर ये ऐसे तुम बीम कंसिडर करके चल रहे हो तो ये शेयर रीइंफोर्समेंट अगर तुम प्रोवाइड कर रहे हो तो ये बोल रहा है कि जो ये वाली स्पेसिंग की वैल्यू है ना, ये जो एस वी से डिनोट कर रहे हैं, ये इफेक्टिव डेप्थ के मतलब 0.75D से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डी डेप्थ होगी, ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या कह रहे हैं, फॉर वर्टिकल, अच्छा ये वर्टिकल स्ट्रिप्स के लिए था, ये तो मैं पहले डायग्राम से बता दिया, एंड देन डी फॉर इंक्लाइंड स्टिरप्स, मतलब अगर ये इंक्लाइंड कर रहा है, इंक्लाइंड बार्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये 45 डिग्री एंगल पे प्रोवाइड होने चाहिए, ठीक है, जहाँ पे मतलब इसकी अगर बात करें तो ये वाली जो वैल्यू एंगल के कितना इंक्लिनेशन, ये भी डी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डी क्या थी, इफेक्टिव डेप्थ हमारी सेक्शन की थी। और तीसरा क्राइटेरिया क्या किया, इन नो केस, किसी भी केस में 300 mm से तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको जो गाइडलाइन मिली है किसकी मिली, स्पेसिंग की मिली है। तो स्पेसिंग की इसने हमें 3 गाइडलाइन दी, याद रखनी है बच्चे, तुम्हारा जब जेई वगैरह का पेपर देते हो ना SSC JEE, उसमें ये क्वेश्चन आता है 1-1 mark में, वॉट आर दी गाइडलाइंस फॉर प्रोवाइडिंग मैक्सिमम स्पेसिंग। तो ये 3 गाइडलाइन बच्चों को रटी हुई होनी चाहिए। पहली गाइडलाइन जो हमारा IS कोड क्या कहता है, कि जो स्पेसिंग है शियर रीइंफोर्समेंट में 0.75 ऑफ डी, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर इंक्लिनेशन की बात करो, इंक्लाइंड बार की बात करो, तो डी से ज्यादा इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए, एंगल शुड बी 45 डिग्री। और क्या बोलता है कि किसी भी केस में हमारी 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। जो मैं बोल रही हूँ ये स्पेसिंग कौन सी है, ये वाली, कि मतलब अगर ये आपकी बीम है, यहाँ पे आपने शियर रीइंफोर्समेंट, ये वाले बार, ये ऊपर मेन ये हैंगर बार हो गए, नीचे आप लोगों की मेन रीइंफोर्समेंट हो गई, ये इधर हो गया, तो ये वाली स्पेसिंग, ये इन बार्स की जो स्पेसिंग है, ये इनके क्राइटेरिया है। पहला 0.75D, सेकेंड इंक्लाइन, अगर इंक्लाइन बार है 45 डिग्री एंगल, और यहाँ से इधर से ये वैल्यू पे इसका इंक्लिनेशन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्दर 300 mm से ज्यादा भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो 0.75D करने के बाद वैल्यू जो आती है 300 mm से ज्यादा आती है, तो आप वो ज्यादा वाली स्पेसिंग नहीं प्रोवाइड करोगे, आप 300 mm ही प्रोवाइड करोगे, ठीक है। हाँ या ना कुछ बोलो, ये चीज समझ आई कि नहीं? यस मैम। यस मैम। अब हम बात करते हैं डिजाइन स्टेप कि अगर हमें शियर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करनी है तो कैसे करेंगे, कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो शियर फोर्स VU एट क्रिटिकल सेक्शन कैलकुलेट कर लो, ठीक है। आपको VU पता होगा, कैलकुलेट क्या है आपको पता होता है, डिजाइनर को पता होता है कि वो कितने लोड के लिए इसको डिजाइन कर रहा है। बच्चे आवाज आ रही है मेरी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है अनेबल कनेक्शन, अनस्टेबल कनेक्शन आ रही है आवाज, ठीक है बच्चा। तो अब अगर मैं बात करूं VU की, शेयर फोर्स की, तो मतलब मेरे को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कितना शेयर फोर्स एक्ट कर रही है। बच्ची डिंपल शर्मा कौन है आपकी क्लास में, 5th A में? यस मैम, अपनी क्लास का मैम, सिविल है, 41 रोल नंबर, नहीं 40 रोल नंबर। टाइम में कोई टाइम है रोल लेक्चर में अटेंड करने का, तभी होगी, खत्म होने वाला तब आ रहे हैं। चलो एनीवेज, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितना लोड एक्ट कर रहा है बेसिक शियर, जिसकी वजह से शियर इंड्यूस कर रही है। जब हमें VU पता चल गया तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे सेकंड स्टेप में, टाउ V। पहला स्टेप VU पता होना चाहिए, टाउ V मैंने बता दिया था, शियर फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कौन सा, बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया, VU/BD कैलकुलेट कर लो। देन टाउ सी निकाल लो, टाउ सी हमें पता है कैसे निकाला था, कल याद है टेबल से, कौन से टेबल से, टेबल 3.1 जो कल मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ था, उससे क्या निकाल लोगे, टाउ सी, अगेन टेबल 3.3 से क्या आ जाएगा, टाउ सी मैक्स। ये टेबल आपके IS कोड में भी है, जब ये नोट शेयर करूंगी आज ग्रुप में तो ये देखना कौन से क्लॉज में है, ये देखना तुम्हारी जिम्मेवारी है। अगर अब तुमने टाउ वी भी निकाल लिया, टाउ सी भी पता है, टाउ सी मैक्स भी पता है, नेक्स्ट स्टेप जो तुम्हारा क्या है, चेक करना है क्या टाउ वी की वैल्यू लेस है टाउ सी से। अगर लेस है तो हमें कोई स्पेशल शियर रीइंफोर्समेंट नहीं चाहिए। पहला केस, टाउ वी अगर लेस है टाउ सी से
कोई शेयर रीइंफोर्समेंट नहीं चाहिए, बेसिक हैंगर बार लगा दो, बेसिक लॉन्गिट्यूडनल बार लगा दो और उसको वर्टिकल स्टिरप से बस बांध दो. यही लिखा है इस लाइन में. नो शेयर रीइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड बट प्रोवाइड ओनली नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट. और वो नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट कौन सी होती है? वर्टिकल बार. कहने का मतलब हैंगर बार लगा दिए, लॉन्गिट्यूडनल बार लगा दिए, बस इनको बांध दो, इनको बांध दो. मिनिमम जो भी गाइडलाइन है 300 mm रखना चाहते हो या फिर इफेक्टिव डेप्थ कम आ रही है उससे वैल्यू, तो कम पे भी वर्टिकल स्पेसिंग लगा दो. समझ रहे हो इस चीज को? और ये क्लॉज कौन से में लिखा हुआ? 26.1.6 में ये क्लॉज लिखा हुआ है. चाहते हो तो देख लेते हैं, ये देख लोगे खुद? देख लेंगे. देख लोगे? देखना है फिर ये कोड में, ये देखना है कोड में कहाँ लिखा हुआ है. और ये खुद रटने भी चाहिए ये ना, तुम्हें कोड रेफर करने, अगर एज अ डिजाइनर तुम कोड को बार बार रेफर नहीं करते, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कोड में ऐसा लिखा कहाँ है, बस पता होना चाहिए, ठीक है? लेकिन ये स्टेप्स हमारे दिमाग में होने चाहिए. जब पूछा जाता है कि व्हाट इज कोड में ना, कई बार डायरेक्टली आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ सी मैक्स, कोड में बोल रही कॉम्पिटिशन में पेपर में आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ सी मैक्स फॉर M20. पेपर में क्वेश्चंस होते हैं अपने बुक्स खोलना है SSC JEE वगैरह के, अगर जिसने पेपर देना हो तो आपको ये क्वेश्चंस SSC दिखेंगे, ठीक है? टाउ भी कैलकुलेट करने को आ जाता है, फॉर्मूला पता होने चाहिए. नेक्स्ट, पहला केस तो क्लियर हो गया कि अगर टाउ वी लेस देन है टाउ सी से, मतलब कोई शेयर रीइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करनी है. सेकंड, अगर टाउ वी ज्यादा है टाउ सी से, ठीक है, टाउ वी ज्यादा है टाउ सी से लेकिन टाउ सी लेस है टाउ सी मैक्स से, मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है उससे तो क्या है कम है, ठीक है, वो उससे कम है टाउ सी, लेकिन टाउ वी क्या है वो ज्यादा है, मतलब नॉमिनल वैल्यू क्या है ज्यादा है जो टाउ सी से, ठीक है? तो उस केस में हमने क्या करना होता है, हमें डिजाइन करनी रहती है शियर रीइंफोर्समेंट. क्या करनी रहती है? डिजाइन शियर रीइंफोर्समेंट. किसके लिए? शियर फोर्स के लिए. शियर फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज टाउ वी इंटू बी डी. इसी फॉर्मूला से VU हमें पता है, tau V आ जाएगा, tau V मतलब सॉरी VU हमें चाहिए, मतलब पता होता है फैक्टर शेयर फोर्स चाहिए होता है, तो ये tau V into BD से ये वैल्यू आ जाएगी VU की. अब अगर कल वाला फॉर्मूला याद हो कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो हमारा शेयर फोर्स है, ठीक है, जो ओवरऑल शेयर फोर्स है वो कॉन्क्रीट भी बियर करता है, दैट इज VC प्लस शेयर भी बियर करता है, जिसको VUS से यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरऑल, ठीक है? तो क्या कर दोगे, हमें चाहिए क्या है, शेयर की वैल्यू चाहिए ना, तो क्या कर दोगे, ये वैल्यू को इधर ले जाओ, V minus VC is equal to VUS. ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? शेयर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी जो हमें चाहिए थी शेयर रीइंफोर्समेंट के लिए, क्योंकि हम रीइंफोर्समेंट के लिए शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम पूरे लोड के लिए थोड़ी डिजाइन करेंगे, हमें तो सिर्फ शेयर के लिए डिजाइन करना है, तो शेयर फोर्स चाहिए हमें. हमें पूरा पता है कि पूरी बिल्डिंग पे कितना लोड लग रहा है, उसमें से अगर मैं कॉन्क्रीट जितना बियर कर रहा है उसको माइनस कर दूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बताओ? शेयर फोर्स की वैल्यू, शेयर फोर्स ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या जी? क्या बोला बच्चे, क्या पूछा? शेयर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी मैम उसकी रीइंफोर्समेंट की. मेरे को लगा पूछ रहा है कि शेयर फोर्स क्या है. अच्छा ठीक है, फिर तो सही बोला. हाँ, तो क्या किया, ओवरऑल जितना शेयर एक्ट, ओवरऑल जितनी फोर्स एक्ट कर रही थी शेयर फोर्स, पूरी जो ओवरऑल एक्ट कर रही थी वीयू, उसमें से जो कंक्रीट बियर करती है टाउ सी इनटू बीडी, कंक्रीट जितने स्ट्रेसेस बियर कर रहा है उसको माइनस कर दो, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी जो शेयर रीइंफोर्समेंट क्या करेगा, बियर करेगा, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है,